की हेडलाइन पर मोजाम्बिक चक्रवात मरने वालों की संख्या 732, नागपुर एम्प्रेस वॉल में देह व्यापार, टीम गडकरी की अग्नि परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। मोजाम्बिक चक्रवात मरने वालों की संख्या 732 फैलने लगी है। महामारी बीरा पिछले हफ्ते आए चक्रवात से अब तक 723 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा में भी हजारों लोग अपने घरों की छतों पर मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में चक्रवात इरहित ने पिछले सप्ताह 170 प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ बीरा के मोजाम्बिक बंदरगाह से टकराकर शहर की और बढ़ते हुए वहां भारी तबाही मचाई। हेलीकॉप्टर और नावें से लोगों की सुरक्षा की जा रही है। एम्प्रेस मॉल में देह व्यापार नागपुर गणेश पेट थाना अंतर्गत एम्प्रेस मॉल में चलाए जा रहे फिनिक्स वेलनेस सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई कर वहां जारी देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। हालांकि कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन नेपाल की एक लड़की और भिलाई की एक लड़की को छुड़ाया गया है। जबकि आरोपियों ने सेंटर के संचालक मनीष लांजेवार और डेरेक मचेडा के अलावा एजेंट फैयाज शेख और मैनेजर तनवी चोटलिया का समावेश है। फैयाज देह व्यापार क्षेत्र का बड़ा एजेंट बताया गया है। वह देश के अन्य शहरों से भी लड़कियां सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को देर रात अपने पंटर्स को ग्राहक बनाकर सेंटर में भेजा। सौदा तय करने के बाद जैसे ही पंटर ने इशारा किया तो पुलिस ने छापा मार दिया। मौके से एक नेपाली लड़की व एक भिलाई लड़की को छुड़ाया गया। जातीय समीकरण का संतुलन बनाने की चुनौती, टीम गडकरी की अग्नि परीक्षा। नागपुर देश में अपने काम की बदौलत नागपुर का नाम रोशन करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद अब सिटी में उनकी सीट पर पिछले बार की तरह लीड बरकरार रखने और बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। मोदी लहर के दौरान पहली बार लोकसभा की सीट पर भाग्य आजमाने वाले गडकरी 2014 में 4.25 लाख से ज्यादा की लीड थी। डीएम के कनेक्शन का टेंशन वास्तव में टीम गडकरी का सबसे बड़ा टेंशन सिटी के दलित मुस्लिम और कुंबी मतदाता है। फिलहाल डीएम के कनेक्शन के रूप में संबोधित किया जा रहा है। टिकट घोषित होने के बाद शनिवार को जब गडकरी नागपुर सिटी आए तो हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। यहां भीड़ देखते हुए संकेत दिया जाता है कि यह कार्यकर्ताओं का सच्चा प्यार है जो गडकरी को जननेता बनाता है। सुरेखा ने दिया समर्थन। बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की मुखिया पूर्व मंत्री अधिवक्ता सुरेखा कुंभारे ने गडकरी को समर्थन घोषित किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।